हमारे पत्रकार साथी जिनका नाम विजय गुप्ता, उनके दीपावली की रात देर रात को गोली मार के हत्या कर दी गई। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना ये है। उसका आज हम जिलाधिकारी डीएम साहब को हम ज्ञापन देने आए हुए थे, ताकि पत्रकार के ऊपर जो आए दिन उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से जो घटना चल रही है, ज़्यादातर पत्रकार के ऊपर गोली जो मारी जा रही है, उसी के संदर्भ में हम यहाँ उनको ज्ञापन देने आए हुए थे। ये बताएं कि इससे पहले भी पूर्व में कई घटनाएं हो चुकी हैं, आप इस संबंध में आगे अगर शासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है तो आगे इस पर आपके क्या अगला कदम होगा? पहले तो हम आपको बता दें कि जैसे ही इस घटना की जानकारी हमारे ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा को हुई, तत्काल प्रभाव में मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनीत निगम जी हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव में जितने भी जिले थे वहाँ पे हर जिले में डीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया हुआ है। कल हमारे लखनऊ में भी ज्ञापन दिया गया हुआ है और मांग ये की गई है कि जिस तरीके से विजय गुप्ता जी की हत्या हुई है और जिस माध्यम से हुई है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस पुलिस प्रशासन, जैसे ये भी जानकारी हुई है कि जब घटना हुई है उसके दो घंटे पहले तहरीर दी गई थी थाना निकट थाना अध्यक्ष को, उससे कहा गया कि हमारी जान को खतरा है। तो क्या मांग की है आपने? सबसे पहले मांग ये करी है कि उस थाना अध्यक्ष के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि अगर किसी पत्रकार के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से कोई बात वगैरह आती है तो थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से उस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। ये आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर्वप्रथम मांग हमारी ये है कि जो हमारे पत्रकार साथी को गोली मार के हत्या की, उनके परिजनों को 20 लाख की मुआवजा की राशि मिले। दूसरी बात, उनके घर में किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनका जीवन यापन सही तरीके से हो सके। अभी तक इस विषय में कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक जैसे जानकारी जब हुई CO साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जैसे संज्ञान में जो भी जांच चल रही है, जांच में जैसा मामला समझ में आता है कि हत्या किस प्रकरण में हुई है, क्या मामला था।